हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो एक टेक वीडियो है जहां मैं कंप्लीट डिटेल्स बताने जा रहा हूं हायर कंपनी के कन्वर्टेबल चेस्ट फ्रीज़र का। मैंने प्रीवियस वीडियोस में हायर कंपनी के 460 लीटर्स कैपेसिटी की चेस्ट फ्रीज़र की वीडियो बनाई थी और आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ 588 लीटर्स की कन्वर्टेबल चेस्ट फ्रीज़र। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मैं इस फ्रीजर की कंप्लीट डिटेल्स बताने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस चेस्ट फ्रीजर की कैपेसिटी है 588 लीटर्स की और ये एक कन्वर्टेबल चेस्ट फ्रीजर है जिसे आप चेस्ट फ्रीजर एज वेल एज चेस्ट कूलर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसकी क्लोज लुक देखने से पहले इसकी सारी डिटेल्स को देख लेते हैं। और यहाँ पर आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं इस डीप फ्रीजर से रिलेटेड। और इसका मॉडल है HCC588HTQ। इस प्रोडक्ट की MRP है 37,000 रुपीज़। और यहाँ पे कुछ अदर डिटेल्स प्रोवाइड किए गए हैं, टोल फ्री नंबर भी आप यहाँ देख सकते हैं। अगर इस फ्रीजर में कोई ख़राबी आ जाती है तो आप अपनी कंप्लेन इस टोल फ्री नंबर पे रजिस्टर करवा सकते हैं। कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आपके एड्रेस पे विजिट करके इस चेस्ट फ्रीजर को फिक्स कर देंगे। ये कमर्शियल चेस्ट फ्रीजर है और इसका डायमेंशंस आप यहाँ देख सकते हैं, 775 × 1710 × 895। एंड इस फ्रीजर का नेट वेट है 76 kg का। मैंने डोर ओपन कर दिया है और आप देख सकते हैं कि ये चेस्ट फ्रीजर कैसा दिखता है आफ्टर ओपनिंग द डोर। तो चलिए मैं क्विकली क्लोज लुक दिखाता हूँ आपको इस चेस्ट फ्रीजर का। और आप जब इस पॉइंट पे आप इसे रखते हैं तो ये लॉक हो जाता है, और जब आप इसे मेक श्योर कि जब आप इसे बंद कर रहे हैं तो स्लोली आप इसे बंद करें, अदरवाइज ये ज़्यादा हार्ड प्रेस होगा कुछ इस तरह से। और यहाँ आप देख सकते हैं इस चेस्ट फ्रीजर का इनसाइड व्यू। तो ये जो सेकेंड डोर है उसके नीचे का ये एरिया है और बीच में एक छोटा सा सेपरेटर दिया गया है, बेसिकली ये डोर क्लोज करने के लिए है, ये सपोर्ट है ये डोर क्लोज जब आप करते हो तो। एंड यहाँ आप देख सकते हैं अच्छा खासा स्पेस है इसका। एंड यहाँ पर कंप्रेसर यूनिट है, इसीलिए आपको लग रहा होगा यहाँ पर एक स्टेप दिख रहा है आपको। और बॉटम में आप यहाँ पर एक होल देख सकते हैं जो अभी पैक्ड है, वाटर के बाहर निकलने के लिए होल प्रोवाइड किया गया है। जब आप इस डीप फ्रीजर को क्लीन करेंगे या आइस जब आपकी मेल्ट हो जाएगी तो वाटर इस होल के थ्रू बाहर निकल जाएगी। और आइए मैं सेकंड एरिया दिखाता हूँ आपको, और ये है इस चेस्ट फ्रीजर का एरिया द अदर सेक्शन। यहाँ पे दो ट्रे दी गई है आपको, ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आप इसे निकाल सकते हैं और जैसे रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप कंप्लीट व्यू देख सकते हैं। और ये है इस चेस्ट फ्रीजर का टॉप, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, आप ये देख सकते हैं। इसका जो ये एरिया है, जो ये डोर है, वो अच्छा खासा रोबस्ट दिख रहा है। एंड क्वालिटी जो प्लास्टिक क्वालिटी है जो इसके बेस की, वो बहुत अच्छी है। आइए मैं पहले आपको 360 व्यू दिखा दूं। ये इसका फ्रंट है और ये इसका अदर साइड, और बॉटम में आपको वेंटिलेशन के लिए कुछ स्पेस दिया गया है, वो वेंटिलेशन आप देख सकते हैं बॉटम में। और यह इसका बैक साइड और लेफ्ट बॉटम में आप देख सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं, मैं क्लोज लुक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कंप्रेसर यूनिट है एंड पावर केबल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और ये इसका बैक साइड, बैक साइड में कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं इस चेस्ट फ्रीजर से रिलेटेड। ये इसका अदर साइड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंट्रोलर यूनिट है, तो आप टेम्परेचर कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। मैनुअल में सारी डिटेल्स दी गई है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ये डिफ़ॉल्ट 4 पे सेट है। एंड ये तीन इंडिकेटर दी गई है, कंट्रोल, सुपर एंड रेफ्रिजरेटर। सो ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड इंडिकेटर यहाँ पे है। और यहाँ पे आप एक छोटा सा होल देख सकते हैं, ये वाटर ड्रेनेज के लिए प्रोवाइड किया गया है। इस चेस्ट फ्रीजर में आपको मिलता है कैस्टर व्हील्स फॉर इजी मूवमेंट, आप देख सकते हैं बॉटम में कैस्टर व्हील्स दिया गया है इजी मूवमेंट के लिए।
और फ्रेंड्स, इस चेस्ट फ्रीजर के साथ कुछ एसेसरीज मिलती है आपको। एसेसरीज में आप देख सकते हैं, एक छोटा सा प्लास्टिक का एक आइटम मिलता है। बेसिकली आप जब आइस जम जाती है ज़्यादा इस फ्रीजर में, तो आप कुछ इस तरह से इसे निकाल सकते हैं आइस को। मैं दिखाता हूँ कैसे निकालना है। जिस भी सरफेस पे आइस जमती है आप उसे बाहर निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से। और दो की दिया गया है लॉक की। मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ कि इस चेस्ट फ्रीजर को लॉक कैसे करना है। और यहाँ पे लॉक दिया गया है, कुछ इस तरह से इंसर्ट करना है आपको इसे, और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आपको इसे मूव कर देना है। आप देखिए अब ये लॉक हो चुका है। जस्ट प्रेस इट, थोड़ा सा पुश कीजिए और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव कीजिए, ये ओपन हो जाएगा। मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, पुश कीजिए एंड देन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव कीजिए, ये लॉक हो जाएगा। और ये है इस चेस्ट फ्रीजर का इंस्ट्रक्शन मैनुअल। आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़ मल्टीपल लैंग्वेजेस में ये प्रोवाइड किया गया है। ये इंटरनेशनल ब्रांड है इसलिए मल्टीपल लैंग्वेजेस में यूज़र मैनुअल को प्रोवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ कन्फर्मिटी दिया गया है एंड कुछ अदर डिटेल्स यहाँ दिए गए हैं। तो आप इस चेस्ट फ्रीजर से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। मेक श्योर कि आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लें, ये आपको हेल्प करेगी इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से यूज़ करने में, अच्छी तरह से मेंटेन रखने में। और इस चेस्ट फ्रीजर पे हमें मिलती है 1 साल की कंप्लीट वारंटी प्लस 4 इयर्स एक्स्ट्रा वारंटी ऑन कंप्रेसर। तो हमें वारंटी कार्ड नहीं मिलता है और जो वारंटी कवरेज होगी वो बेस्ड ऑन रिटेलर इनवॉइस। जो आप जब भी किसी रिटेल आउटलेट से इसे परचेज करें तो रिटेल इनवॉइस ज़रूर लें, बिकॉज वारंटी के समय में वो रिटेल इनवॉइस की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी एक नए प्रोडक्ट के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।